प्राइस एक्शन की दुनिया बहुत बड़ी है और ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे टॉपिक्स। इन्हीं में से एक होता है ब्रेकआउट। जनरली कई बार ऐसा देखा जाता है कि ब्रेकआउट हो जाने के बाद में बहुत सारे एनालिसिस आती हैं एक एक करके, लेकिन एक जो सबसे हार्ड टॉपिक होता है के थोड़ा सा समझने में भी दिमाग लग जाता है, उसके अंदर टाइम लगता है, ब्रेकआउट से पहले कैसे हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ब्रेकआउट से पहले के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। जैसे कि ऊपर हमने जो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है, हमारा ऐसा मानना है कि प्राइस अपसाइड की तरफ इसे मूव करना चाहिए और एक कैंडल, अच्छी खासी कैंडल प्राइस अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़ रही हैं प्राइस के मूव अपसाइड की तरफ के हैं। लेकिन ये जो हाई वॉल्यूम आप देख रहे हो ना 1045 पर आई है, इसने बहुत सारा मामला अपना बिगाड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये रेजिस्टेंस कन्फर्म कर रहा है, तो रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ। ये ब्रेकआउट से पहले के प्रिडिक्शन है मेरे कि इस लेवल के ब्रेकआउट हमें मिलेंगे। अभी का देखो अपना ट्रेड चल रहा है करीब 789 क्वांटिटी के साथ में, हम बिरला सॉफ्ट को ट्रेड कर रहे हैं, 13,000 के राउंड का प्रॉफिट चल रहा है एंड हम इसको लास्ट तक होल्ड करेंगे। टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ओवरऑल एनालिसिस, वॉल्यूम्स की प्रेडिक्शंस, रीडिंग्स, लोअर टाइम फ्रेम की, हाई टाइम फ्रेम की, एक एक चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिस तरह से अभी हमने बताया कि बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, अब ये वाला चैप्टर जो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले या फिर ब्रेकआउट से पहले के सिम्टम्स, उसके पहले ऑर्डर बुक देख लेते हैं। करीब 789 क्वांटिटी के साथ में ऑर्डर अपना चल रहा है और 10 बजे आप टाइम देखिए बगल में दिख रहा होगा, 10:01 पर ये ट्रेड हमने अपना एग्जीक्यूट किया, तो उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में स्टॉप लॉस लगा दिया था। 645 पर सारी क्वांटिटीज हमको मिल चुकी थी, उसी प्राइस पर मिली हैं और 641.30 पर सारा स्टॉप लॉस हमने रखा हुआ। अगर प्राइस नीचे तक आएगा, फिलहाल तो नहीं आएगा, इसको तो ऊपर की तरफ ही भागना होगा। अब वापस पलटते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ, ये ट्रेड तो चल ही रहा है चलिए, लेकिन अब इस एक चीज़ को देखेंगे। आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया या नहीं भी एग्जीक्यूट किया, आप किसी ट्रेड्स की तैयारी में हो, तो देखो कि प्राइस क्या वहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है बार, जैसे यहाँ पर देखो प्राइस अगेन एंड अगेन रेजिस्ट कर रहा है, उसी जगह पर देखो क्या वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं इस तरह से। अगर रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं या फिर सपोर्ट्स पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो ये इस एक तरह से सपोर्ट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस के वॉल्यूम के कन्फर्मेशंस देता है, और जब ये ब्रेकआउट होते हैं तो मूव अच्छा मिलता है, है ना, एक कैंडल, दो ही कैंडल में अच्छा मूव मिल जाएगा। सो इसको अभी और अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सो चलिए शुरू करते हैं। अभी इन डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे बिरला सॉफ्ट को लेकर के। कोई भी स्टॉक जब आप ट्रेड करना चाहते हो, स्टॉक से हट करके अगर आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो, डेरिवेटिव्स में अगर आप काम कर रहे हो या M6 के मार्केट में काम कर रहे हो, तो कौन से वो एलिमेंट्स हैं कि जिसके आधार पर हम लोग ब्रेकआउट होने से पहले कुछ प्रिडिक्शंस करके उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्प करता है हम लोगों की। अभी प्रॉपर वे में हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर इसकी प्रॉपर रीडिंग करेंगे, वॉल्यूम्स के क्या बेनिफिट और क्या हेल्प हमको मिलती है, या ओवरऑल अगर एनालिसिस हम करें तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी रीडिंग को और नेक्स्ट लेवल तक ले करके जाने में सक्षम है। तो एक एक करके हम इसकी शुरुआत करेंगे। अभी देखो लोअर टाइम फ्रेम पर जस्ट क्या है ना, मूव मिल रहा है, और मेरे लिए ये मेरा रिजल्ट है जो लोअर टाइम फ्रेम पर हो रहा है, क्योंकि जो भी काम हमने किया वो किया है सारा डेली टाइम फ्रेम पर। लोअर टाइम फ्रेम पर इतना करने के लिए होता नहीं है डेली टाइम फ्रेम पर रीडिंग की, अभी लोअर टाइम फ्रेम पर उस डे टाइम फ्रेम की रीडिंग का रिजल्ट है। और वैसे आप देखोगे तो पता है मूव हमें कितना मिला है, यहाँ से लेकर के और सिर्फ इस वाली कैंडल तक कितनी कैंडल्स हो गई, टोटल कितनी कैंडल्स हुई जिन्होंने हमें एक्चुअली थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया है, वो हैं देखिए 1, 2, 3, 4, इन चार कैंडल्स ने ही प्रॉफिट दिया है, बाकी मार्केट तो अभी साइड पर पड़ी हुई है, कोई बहुत बड़ा मूव तो आ नहीं रहा। हाँ, जिस ब्रेकआउट की हम बात करें तो अगर ये मूव हो जाएगा तो करीब 1% का मूव हमें और मिल जाएगा ब्रेकआउट हो जाने के बाद में। तो अभी जो हमें कैश करना है वो ये वाला ब्रेकआउट है, अब इस ब्रेकआउट के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, अब ये अगर ब्रेकआउट हमें मिला ना तो करीब 1% का मूव कहीं नहीं गया, बहुत आराम से मिलेगा। अभी तो मार्केट चल रही है, अभी समय क्या हुआ है, 12:30 हुए हैं, बहुत अभी पूरी लगभग आधा दिन बचा हुआ है, हम निकलेंगे नहीं इसमें से जब तक हमें प्रॉपर टारगेट नहीं मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग आएंगे डे टाइम फ्रेम पर। डे टाइम फ्रेम पर एक एक करके कैंडल्स को पढ़ो, वॉल्यूम्स को उसके अंदर इंक्लूड करो,
चार्ट पर रीडिंग शुरू करने से पहले हम कुछ ड्राइंग्स बनाएंगे, उन ड्राइंग्स के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसको बहुत ध्यान से सुन। ये वाली ड्राइंग आपने कम से कम 1000 बार देखी होगी, तरह तरह से लोग उसको बताते हैं, समझाते हैं, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। अभी देखो, जैसे कि ये होता है अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हम लोग रीडिंग्स को शुरू करते हैं, जो हमारा सबसे लेटेस्ट स्विंग होता है। अच्छा, लेटेस्ट स्विंग क्या हो सकता है? कई बार तो चार्ट देख करके समझ में जाता है, अदरवाइज हमारा फाइनेंशियल ईयर जहाँ से शुरू होता है वो हो सकता है, क्वार्टर का रिजल्ट्स आने के बाद की कैंडल्स हो सकती है, कोई बड़ा मूव हुआ हो वो एरिया हो सकता है, हमारा कोई मेजर ब्रेकआउट हुआ हो सकता है, जहां से हम लोग अपनी रीडिंग्स को शुरू करते हैं। तो ये स्टार्ट पॉइंट होता है। इसके बाद में प्राइस ने एक स्विंग लगाया, स्विंग के बाद में फिर से एक अगेन देखो स्विंग लगाया, स्विंग के बाद में फिर लो लगा दिया, फिर से स्विंग, स्विंग लो, स्विंग तो तमाम बार आप देख चुके होंगे। तो इसमें नया क्या है? देखिए, एक ही स्विंग लगा, स्विंग लो, हाई और लो। अब ये वाला स्विंग हाई है। अब एक चीज देखना, प्रीवियस स्विंग हाई जो होता है हमारा, ये वाला स्विंग हाई, आप इसको मार्क करके थोड़ा आगे तक लेकर के आओ। आप देखना है कि प्राइस का जो स्विंग हाई लग जाने के बाद में, एक स्विंग हाई ब्रेक किए बगैर नया स्विंग लो नहीं लगता, याद रखना हमेशा, एक स्विंग हाई ब्रेक किए बगैर नया स्विंग लो नहीं लगता। अगर ऐसा होता है तो मे भी चांस है कि वहां से लोअर लो और लोअर हाई स्टार्ट हो जाए। अभी ये क्या है? हायर हाई, हायर लो। यहाँ पर हमारा एक स्विंग ब्रेक हुआ, प्राइस देखो वापस से आया। एक्सपेक्टेड एरिया कौन सा हो सकता है जहां से हमारा नया सपोर्ट फॉर्म कर सकती है मार्केट, या फिर नया स्विंग लो लगा सकते। हमारा प्रीवियस स्विंग हाई, एक्सपेक्टेड स्विंग लो होता है नेक्स्ट मूव का। अगर ये मेरा स्विंग लो है, क्या साइन होते हैं कि यहीं से प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जाएगा? क्या गारंटी है कि फिर वहां से लोअर लो लोअर हाइस लगने शुरू नहीं हो जाए? बहुत देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत अगर हम इसको गूढ़ कहें, बहुत डार्क कर दें, तो देखने में ये बड़ा अच्छा लगेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप आसानी से नहीं समझा सकते तो उसका यही मतलब होता है कि फिर वो आपको भी आता नहीं है कायदे से। अगर बहुत आप उसके अंदर पिन पॉइंट, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत से सारी चीजें हो रही है, ये भी करो वो भी करो, 20 तरह की चीजें मिलाने के बाद में कोई एक नया प्रोडक्ट बाहर निकल गया ना, नहीं, सिंपल वे में जो नेक्स्ट सबसे लेटेस्ट स्विंग हाई होता है, बहुत ज्यादा डार्क करके अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका एक मतलब ये होता है कि फिर वो चीज हमें भी समझ में नहीं आई है। कायदे कहीं पर ये बात हमने पढ़ी ही थी कि कोई भी, मान लीजिए कि वो बहुत तो हार्ड है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उस हार्ड चीज को भी अगर आप बहुत सरलता में नहीं समझा पा रहे हो, बहुत इजीएस्ट वे में नहीं समझा पा रहे हो, तो इसका मतलब कि फिर वो आपको भी समझ में आई नहीं है कायदे से। अब इसका ये मतलब नहीं कि प्राइस एक्शन हमें बहुत अच्छी तरह से आता है या हम गोल के पी गए, नहीं है, लेकिन जितना अभी तक हम समझ पाए ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज अगर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अभी हम क्या, कौन से चैप्टर पर हैं? स्विंग हाई स्विंग लो या फिर लोअर लो लोअर हाई, इस पर हैं, तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, आगे चल करके अगर हम इसको देखेंगे तो फिर ये उतना ही एडवांस होता रहता है, एडवांस इन द सेंस कि फिर एक एक कैंडल में देखनी पड़ती है, लेकिन ये लेग्स काउंटिंग होती है एक तरह की। अब ये स्विंग हाई लगा ना, स्विंग हाई के बाद में अब ये स्विंग लो, प्रीवियस ये वाला बना था मेरा स्विंग हाई, प्रीवियस स्विंग हाई के पास में प्राइस यहां से अपने सपोर्ट्स फॉर्म करेगा। अगर उसे इस जगह पर स्विंग लो बना करके अगेन अपसाइड की तरफ चले जाना है, प्रीवियस स्विंग हाई के पास में पहुंचते ही इस जगह पर आपको सपोर्ट क्रिएट होने दिखाई पड़ जाएंगे। प्राइस सपोर्ट बना देने के बाद में उसको नीचे की तरफ कोई प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देता है, एंड यहां से अपसाइड की तरफ चला जाएगा। फिर से सुनो, यहां पर एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ हुआ, प्राइस ने अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर दिया और ये ऊपर निकल गया। अच्छा, अभी जो नया वाला स्विंग हाई है ना, ये कंफर्मेशन का एरिया होता है। अगर प्राइस ने इसके ऊपर भी क्लोजिंग कर दी तो इसका मतलब ये होता है कि फिर अब नया स्विंग हाई लगने की तैयारी में। गौर करते जाना छोटी छोटी सी बात, हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्रेकआउट होने से पहले कैसे उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या ब्रेकआउट होने से पहले के सिम्टम्स क्या होते हैं। प्रीवियस हमारे स्विंग हाई को प्राइस ब्रेक करेगा, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देने के बाद में इस जगह पर बनते हैं सपोर्ट, सपोर्ट नीचे की तरफ नहीं टूट करके ऊपर की तरफ टूटते हैं, ये सबसे पहला साइन होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी नेगेटिव नहीं है, ये एक पॉजिटिव मोड में है। अगर ये पॉजिटिव मोड में है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिर प्राइस अपने स्विंग हाई को भी ब्रेक कर देगा। अगर ऐसा होता है तो ये उस पॉजिटिवनेस के कंफर्मेशन होती है, ब्रेकआउट हो जाने के बाद फिर प्राइस एक नया स्विंग हाई लगाता है। तो इस वाले ब्रेकआउट को हम तभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या उसी समय प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जब प्राइस हमारे प्रीवियस स्विंग हाई के पास में सपोर्ट क्रिएट करके सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करके जैसे ही अपसाइड की तरफ ब्रेक करने लगे, आप समझ लेना कि नया स्विंग हाई लग एक्सपेक्टेशंस है। और यही एक माध्यम होता है, यही एक तरीका होता है कि हम लोग ब्रेकआउट होने से पहले कुछ मूव को प्रेडिक्ट करते हैं। अभी आगे चल करके अभी आप और देखोगे जब चार्ट्स के ऊपर हम इसे रीड करेंगे। अब यहां पर ये बना, बन जाने के बाद में फिर प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ चला गया। अगेन देखो ये वाला जो स्विंग हाई है, अब सर्कल है ना, सर्कल वाइज चलती सारी चीजें, रिपीट होती रहती है, रिपीट होगी, रिपीट होगी, रिपीट होगी, रिपीटेशन होगी, हाई लगेगा लो लगेगा, हाई लगेगा लो लगेगा,
लगेगा, हाई लगेगा, लो लगेगा, सारी चीजें रिपीट होंगी, ये नेचर है हमारा। अब अगर इस जगह पर हम लोगों को एक पिक्चर दिखाई पड़ी है तो अप साइड की तरफ जाएगी मार्केट एंड यहीं से हो सकता है कि फिर ये डाउन साइड की तरफ ये अगर आती है तो नया क्राइटेरिया कौन सा बनेगा या फिर जो एक्सपेक्टेशन है हम लोगों की, अब वो कौन सी एक्सपेक्टेशन है कि अब मार्केट क्या कर सकती है। अब यही एक्सपेक्टेशन है ना कि जिस तरह से प्रीवियस स्विंग हाई को इसने लो में कन्वर्ट किया, इस वाले स्विंग हाई को भी प्राइस अपने सपोर्ट में कन्वर्ट कर सकती है। अभी हमने कहा था ना ये तो लेग्स वाइज चल रहा है, अभी कैंडल वाइज आएंगे तो थोड़ा सा ये और एक स्टेप हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। तो ये हम लोगों ने लेग्स देख लिया, अब कैंडल्स देखो, आप कैंडल्स वाइज कैसे इसको देखेंगे कि प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई पर आया एंड यहां पर आप लोगों को कई बार ऐसा दिखेगा, कई बार ऐसा दिखता है कि इस जगह पर बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट्स क्रिएट कर रही है मार्केट, एक हाई लग गया, एक लो लग गया और उसी के अंदर ये रुकी हुई है, कोई बड़ा मूव नहीं यार। अब अगर इसको नीचे की तरफ जाना तो फिर प्राइस क्या करेगा, या तो यहीं से सपोर्ट ब्रेक कर दे। अगर सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं, कोई वैलिड सपोर्ट ब्रेकआउट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होता है कि फिर प्राइस हमारा ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग नहीं भी है तो कम से कम इतना तो क्लियर ही है कि ये वीक तो नहीं ही है। अगर वीक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये अभी स्ट्रांग है तो ये अपसाइड की तरफ मूव दिखा सकता है। और ये सारी हरकतें हम लोग कर कहां पर, ऐसा नहीं कि रेंडमली कहीं पर भी उठा करके आपने कर दी, देखो थोड़ा सा बोरिंग होता है, जो कोई मूवी भी नहीं चल रही है या फिर कोई डेली शो वाला टीवी शो नहीं है कि एंटरटेन हो गया, बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, जो रेडी है समझने के लिए, जो समझना चाह रहे तो उसके लिए तो ये एंटरटेन है, उसको ये एंटरटेन करेगा, उसको मजा आएगा ना देखने में समझने में। और जो ऐसे शॉर्टकट की क्या फालतू का नाटक है, ये लेग चल रहे हैं, स्विंग हाई स्विंग लो, सपोर्ट वपोर्ट, ये सब फालतू की चीजें, अच्छा उसको ये बोर करेगा, वो फटाक से स्किप कर देगा, तो उन लोगों के काम का है भी नहीं है, वो एक तरह से बरसात के मेढक होते हैं ना, थोड़े समय के लिए आते फिर गायब हो जाते हैं। तो ये वही है, इस तरह की चीजों में भी अगर आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो तो फिर आप वही हो, थोड़ा सा मजे लेकर के आसान से, हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं, ये आपकी रीडिंग को आसान कर देगा। हम अगर डिफाइन करें कि हम क्या काम कर रहे हैं तो हम खाली आपकी रीडिंग को आसान करने की कोशिश करें, इसे उस प्रोस्पेक्टिव से देखो। अब यहाँ पर देखो सपोर्ट्स बन गए, प्राइस में क्या चांस है, हमें क्या करना है, हमें ब्रेकआउट होने से पहले कुछ सिम्टम्स देखने ना, किस तरह से समझ में आएगा कि ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने क्या बताई कि प्राइस अपने स्विंग हाई पर, अपने स्विंग पर है। अब यहां से जो इसके सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट हो रहे हैं प्रोटेक्ट, ओके एक चीज, मतलब अब ये स्ट्रांग होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि मूव की एक्सपेक्टेशंस तो यहीं से रहेंगे ना, इस एक जगह से सपोर्ट प्रोटेक्शन के साथ साथ में अब हमें देखना है कि क्या प्राइस हमारा रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर रहा है या नहीं। अब हम कुछ और सिम्टम्स आपको बताते हैं। मान लीजिए कि प्राइस अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पा रहा है, किसी एक रेंज के अंदर रुका हुआ है। हमारी मेजर मास्टर कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल जिसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी कैंडल्स बनी हुई। अब एक स्ट्रक्चर होता है कि ये हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया, इसकी हमारी है मदर कैंडल, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मदर कैंडल। अब इस मदर कैंडल में ये हमारी मेन कैंडल है, ऊपर वाली ये मेन कैंडल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइस हमारी मेन स्ट्रक्चर को ब्रेक किए बगैर अंदर कई सारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है, इस तरह से इन्हें कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। एक तो ये मदर कैंडल अपसाइड की तरफ है ही, लेकिन इसी मदर कैंडल में एक और भी मदर कैंडल बन गई। अब क्या हो सकता है, हमारी मास्टर कैंडल को अगर मार्केट को ब्रेक करना है तो पहले वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स ब्रेक करेगी ना, और ये हमें दिखाई पड़ता है लोअर टाइम फ्रेम पर, सीधे लोअर टाइम फ्रेम पर दिखाई पड़ेगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स यहां पर कई सारे बनते हुए अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक मदर कैंडल बनी है, कोई भी एक सपोर्ट बना है उसके अंदर भी कई सारे सपोर्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद में अब देखते हैं कि चल क्या रहा है। ये तो बात हुई इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब देखिए क्या होता है, प्राइस को अगर अपसाइड की तरफ अब निकलना है तो कुछ और चीजें जो इसके अंदर हम लोग एड ऑन करते हैं, जैसे प्राइस अपने प्रीवियस डे के किसी भी रेंज या किसी भी कैंडल के ऊपर जाकर के मूव दिखाना शुरू कर दे, सबसे पहली चीज होती है, या फिर प्राइस हमारा गैप अप कर दे किसी भी कैंडल के ऊपर। ये एक हमारा रेजिस्टेंस है, प्राइस इस एक जगह पर बार बार जा रहा है और नीचे की तरफ गिर रहा है, अगेन अपसाइड की तरफ जा रहा है, फिर से नीचे की तरफ ही गिर जा रहा है, और फिर अचानक से एक दिन ये गैप अप हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। अगर हाई वॉल्यूम के साथ में ये काम हो रहा है तो फिर हम लोग यहां से अपनी मास्टर कैंडल के ब्रेकआउट के बाद में लोअर टाइम फ्रेम पर किसी भी तरह के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये भी सिम्टम होता है ब्रेकआउट होने से पहले के प्रिडिक्शंस का, या ब्रेकआउट होने से पहले के सिम्टम्स का, समझ में। अब इस तरह से फिर से शुरुआत में आई है, ये सारी हरकतें हम लोग कहां पर कर रहे हैं, स्विंग हाई पर। यहां पर प्राइस ने एक सपोर्ट बना दिया, सपोर्ट हो रहा है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड। हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ ब्रेक करे, क्योंकि इसके अंदर बन रहा है अपलेक्स, प्राइस हमारा अप ट्रेंड में है, प्राइस हमारा एक सपोर्ट पर है। सपोर्ट के बावजूद प्राइस हमारा सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब डाउन साइड की तरफ ये शो नहीं हो रहा है, ये वीकनेस शो नहीं कर रहा है। अब अगर इसे अपसाइड की तरफ जाना है तो हमें इसके अंदर कोई भी एक सिम्टम देखना होगा अपसाइड की तरफ जाने का, यानी कि कोई भी रेजिस्टेंस। अगर ये प्रीवियस डे की किसी भी कैंडल की रेंज के ऊपर जाकर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, इसका मतलब कि फिर ये हमारी मास्टर कैंडल को भी ब्रेक कर सके। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हमने ये देखा कि किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है तो हमारी मेन कैंडल भी ब्रेक हो सकती है, यानी कि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट, ये हमारा मेन रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर हम किसी भी तरह से अपने मेन रेजिस्टेंस ब्रेक होने से पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं तो ये जो मूव मिलेंगे ना,
ये एक तरफा मूव होते हैं और बहुत बड़े मूव होते हैं, समझ में आया ना। वाइस वर्सा बिल्कुल हम लोग इसका करते हैं स्विंग लो पर, कि प्राइस लोअर लो लोअर हाइस लोअर लो लोअर हाइस लोअर लो लोअर हाइस लगातार चला जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ये लोअर लोस बने, इस एक जगह पर क्या हुआ ना सपोर्ट, सपोर्ट अगर नीचे की तरफ ब्रेक हो रहे हैं रेजिस्टेंस टूट नहीं रहे अपसाइड की तरफ और प्राइस हमारा इस रेंज के अंदर रुका हुआ है, तो जैसे ये तो गैप डाउन कर दे या तो प्रीवियस डे की रेंज के नीचे आकर के अपना कोई सपोर्ट ब्रेक कर दे, आप कर दो शॉर्ट। और यही इसकी सबसे खास बात होती है। अभी चार्ट पर चल के हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्विंग लो, एक हमने हाई मार्क, अगेन लो, अगेन हाई, ये दो चीजें हैं। मेन पॉइंट हमारा क्या, प्रीवियस स्विंग, इसके बाद में ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है, एक तरह का सपोर्ट एरिया है। प्राइस ने क्या किया अपने इसी सपोर्ट के पास से थोड़ा सा मूव दिखाने के बाद में ये अपसाइड की तरफ। अब इस तरह से हमने जिस कैंडल को एज अ स्विंग लो मार्क किया उस कैंडल का अगर आप हाई मार्क कर लोगे तो ये एक नया रेजिस्टेंस निकलता है, ये नया रेजिस्टेंस है। अब प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है कि हमारे रेजिस्टेंस को, ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पर इसे किया ब्रेक, ठीक है, एक नया स्विंग लगा, वापस देखो प्राइस हमारा नीचे की तरफ आया, यहाँ आया ना स्विंग हाई मेरा ब्रेक हुआ और वापस से प्राइस हमारा नीचे की तरफ आया यहाँ पर। अब यहाँ पर किसी भी तरह के अगर आप बुलिश सिम्टम्स देख रहे हो इस जगह पर, अब क्योंकि ये सपोर्ट है, प्राइस ने हमारे सपोर्ट को अपसाइड की तरफ ब्रेक किया है, वापस से रिट्रेस होने के लिए आया है। यहाँ पर इसने हमारे सपोर्ट पर फॉर्म किया सपोर्ट, अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करें तो बहुत ज्यादा चांसेस है ना कि फिर हमारा ये वाला भी एरिया ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ और एक नया स्विंग हाई लगेगा। स्विंग हाई लगा, वापस से प्राइस देखो रिट्रेस होने के लिए नीचे की तरफ आया। अगेन देखो क्या हो रहा है कि ये एरिया हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई था। अब यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, वॉल्यूम्स को और हम लोग ऐड करते हैं। वॉल्यूम्स क्या जाहिर करते हैं, कभी भी किसी रेजिस्टेंस पर, अभी हमने बताया था ना रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं अगर, तो ये रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन है। सपोर्ट पर अगर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं तो ये सपोर्ट पर सपोर्ट्स के कंफर्मेशन है। और कल के वीडियो में हमने आपसे कहा था कि प्राइस में अगर कोई बड़ा मूव आना है तो वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट बहुत ज्यादा चांस है कि हो ही जाएंगे। ओके, अब देखो एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड की तरफ, प्राइस हमारा सपोर्ट पर। अब खुद से देखो प्राइस को अगर नीचे की तरफ जाना है तो फिर ये कर क्या सकता है, यहाँ पर हम लोग आ गए इस एक जगह पर। अब देखो कि इसने अपने सपोर्ट्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा है, यहाँ पर इस एक जगह पर देखो कोई वैलिड ब्रेकआउट है ही नहीं, प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ भाग रहा है। अब एक तरह से यहाँ पर मेरे जो स्विंग्स हैं ये अपसाइड की तरफ प्रोटेक्ट हो रहे हैं या अपसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, लूज लगने बंद हो गए और जो स्विंग्स हैं वो अपसाइड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो मेरे स्विंग्स हैं ये अपसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जा रहा है। अब इस दिन भी देखो प्राइस हमारे प्रीवियस डे के ऊपर नहीं गया, इस दिन भी ये ऊपर नहीं गया, इस दिन भी ये ऊपर नहीं गया और इस दिन भी ऊपर नहीं गया। देखते रहना, देखो छोटी छोटी चीजें हैं ये कि प्राइस अपसाइड की तरफ मेरा बढ़ रहा है, लोज ये कर रहा है प्रोटेक्ट, हाइज क्या कर रहा है ब्रेक नहीं कर रहा, हाइज भी डाउन साइड की तरफ, मतलब कि प्रीवियस डे के ऊपर ये प्राइस के मूव्स नहीं दिखा रहा है। अगर लो प्रोटेक्टेड है तो इसका मतलब कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है और ये काम हम सारे कर रहे हैं स्विंग पर। हमें एक ऐसा सिम्टम चाहिए कि प्राइस अगर हमारे प्रीवियस डे के ऊपर भी निकल गया, अगर ये प्राइस हमारे प्रीवियस डे के ऊपर भी निकल गया तो बहुत ज्यादा चांस है कि फिर इस वाली कैंडल का भी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर दिन अच्छा रहा तो मास्टर कैंडल भी टूट जाएगी और अगर ऐसा हुआ ना तो मूव बहुत अच्छा मिलेगा। इस वाली कैंडल का जो हाई पॉइंट है ये हमारा टारगेट पॉइंट है, क्योंकि सारा गेम यहीं पर हो रहा है। अभी आते हैं कैंडल्स की रीडिंग पर आते हैं। आई होप कि इतनी जो छोटी सी चीजें समझ में आएंगे, देखो है जरा सी चीज लेकिन ड्राइंग्स के थ्रू समझाने में सारी चीजें करने में थोड़ा सी टाइम कंज्यूम करता है। एक मिनट का जो शॉर्ट वीडियो हम अपलोड करते हैं वो तो ठीक है, एक तरह की वो इन्फॉर्मेशन होती है कि हमने क्या ट्रेड किया कैसे किया, उसमें इतना इन डिटेल डिस्कस नहीं कर सकते, समय का रहता है, एक मिनट से ऊपर का नहीं बना सकते, लेकिन इसमें समय का कोई बंदिश ऐसा नहीं है। आराम से इसको देखो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इतनी सी चीज हमको समझ में आ गई। अब एक चीज हम इसके अंदर और ऐड करेंगे, कैंडल से कैंडल्स की रीडिंग। अब यहाँ पर हमारी ये वाली कैंडल, इसे कैंडल को, ये ग्रीन वाली कैंडल, इस ग्रीन कैंडल का हाई और लो हमने किया है मार्क, सारी रिमूव कर देते मार्किंग, हाई और लो मार्क कर लेते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, प्राइस हमारा जिस कैंडल को हमने मार्क किया उसके लो पर एज अ सपोर्ट बहुत बुरी तरह से रुक रहा है कि प्राइस नीचे ब्रेक हो रहा है, वापस से देखो ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि प्रीवियस कैंडल की रेंज को ये छोड़ नहीं रहा है, ये ऊपर की तरफ है। और जब से प्राइस हमारी कैंडल की रेंज के नीचे निकले ना, इसके जो लोज हैं वो अपसाइड की तरफ प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और जैसे ही प्राइस हमारे लो पर है इसके अंदर देखो वॉल्यूम्स के लगातार ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि प्राइस हमारी इस ग्रीन वाली कैंडल की रेंज के अंदर ही टूटना चाह रहा है कि हम लोग मान सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि अगर नीचे जाना होता तो फिर तो प्राइस ये वाली कैंडल बने तो फिर यहाँ से नीचे चला जाता
और लो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन लो तो ब्रेक ही नहीं हो रहे और उल्टा हो क्या रहा है, इस कैंडल के हाई के पास में जाकर के देखो रिजेक्ट, प्राइस हमारी रेंज के अंदर है, वहां से देखो बाहर की तरफ भाग रहा है। अब अगर यहां पे इसने क्लोजिंग कर दी तो फिर ये नीचे चला जाए, नहीं ये वापस ऊपर चला गया, फिर से नीचे फिर ऊपर, मतलब भयंकर लड़ाई एक तरह से बायर और सेलर्स के बीच, और वापस से इस कैंडल की रेंज ने इसे खींच लिया ऊपर की तरफ। आप देख लेना 66.65 ये इसके ऊपर ही जाएगी मार्केट, हम निकलेंगे ही नहीं इतनी जल्दी, इसको जाना ही है ऊपर। ये ओवरऑल मोटी मोटी एनालिसिस है, अभी लोअर टाइम फ्रेम पर तो हम उतरे ही नहीं, सारा काम तो हायर टाइम फ्रेम पर ही हो रहा है, ठीक है ये दूसरी बात हो गई कैंडल्स वाली। अब तीसरी चीज, यहां पर इससे कैंडल का हमने मार्क किया हाई, इसका हमने मार्क कर लिया लो। आप देखो कि इसके अंदर ये वाली जो कैंडल बनी है ना, इसमें वॉल्यूम का ब्रेकआउट है लेकिन प्राइस का ब्रेकआउट नहीं है, तो एक तरह से ये क्या है, इस तरह के प्राइस एक्शन कौन सी कैंडल में प्रेशर्स क्रिएट हो रहे हैं ये फॉर्म कर देता है, ये डिटेक्ट करता है कि हमारी ये वाली जो कैंडल है इसका, इस कैंडल का हाई और लो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर ही है, बट वॉल्यूम तो ज्यादा है। अगर इतनी कम वॉल्यूम में इतनी बड़ी कैंडल बन सकती है तो उससे ज्यादा की वॉल्यूम में तो उससे बड़ी कैंडल बननी चाहिए ना, छोटी क्यों बनी, क्वांटिटीज तो है लेकिन प्रेशर है, ब्रेक हुआ ना तो मूव अच्छा मिलेगा। तो प्राइस ने यहाँ पर एक तरह का ये कर्व बनाया, अपसाइड की तरफ लोस शिफ्ट हुए, एक बुलिश सिम्टम को दिखाई पड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हम कल का हाई मार्क करेंगे, और हमें ब्रेकआउट कौन सा चाहिए, इस एक मास्टर कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए, हमें एंट्री इससे पहले लेनी है। यहाँ कल की कैंडल का हाई क्या है, ये वाला, ये कल की कैंडल का हाई है 325 की क्लोजिंग, आज की 915 की ओपनिंग, यहाँ एक गैप अप विद वॉल्यूम, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुए और प्राइस ने गैप अप दिखाया। आप इससे एक जगह पर देखो क्या हुआ, रेजिस्टेंस दिखाई पड़े, रेजिस्टेंस बने, ये है ना रेजिस्टेंस को देखो अपसाइड की तरफ, यानी अब मेन जो कैंडल थी हमारी वो टूट गई, वो ब्रेक हो गई, कल की कैंडल के हाई बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुआ, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब ये स्ट्रांग है, क्योंकि जो हरकत आज हुई है वो इससे पहले नहीं हुई है दो या तीन दिन पहले। अब देखो अब डे टाइम फ्रेम पर इसको देखो, लोअर पर थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, इस वाली कैंडल का भी हाई नहीं टूटा था इस दिन, इस वाली कैंडल का भी हाई नहीं टूटा था इस दिन, ये तो छोड़ ही दो आप। तो हुआ क्या, अगर आज की कैंडल का हाई ऊपर की तरफ टूटा, सिर्फ हाई ही नहीं अगर रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो रहे हैं, तो ये तो मूव तो अच्छे मिल सकते हैं हम लोगों को, फिर से लोअर टाइम फ्रेम पर आप आ जाओ। अब जैसे ही कल की कैंडल का हाई ब्रेक हुआ इस वाली कैंडल से, और फिर देखो एक हुआ है रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल्स बनी, और फिर देखो एक हुआ है रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल्स बनी, प्राइस में इसी एक जगह पर हमने अपना ट्रेड एक्स यहाँ पर, आप ये है ना एंट्री 645.10 पर, यहाँ पर टाइम वगैरह सब सारी चीजें आप देख सकते हो, 10 बजे के आसपास ट्रेड लगा था, तो 645.10 इस एक जगह पर एंट्री थी 645.10 और स्टॉप लॉस जस्ट स्विंग के नीचे हमने रख दिया था अपना 641.30 पर स्टॉप लॉस था, ये वाला है लेते हैं ग्रीन कलर से, तो ये स्टॉप लॉस। अब देखो स्टॉप लॉस में भी करामात, आप देखिए करामात इन द सेंस कि कहां पर लगाया है, हमने कभी भी आपको ये नहीं सिखाया कि आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो, ऊपर की तरफ बढ़ा दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां, ये सब बेकार की चीजें होती हैं, अनप्रोफेशनलिज्म को ये दर्शाती हैं। तो ये बात हम फिर कभी बताएं कि स्टॉप लॉस को ट्रेल क्यों नहीं कर, फिलहाल मत किया करें स्टॉप लॉस को ट्रेल। अब यहां पर देखो डे टाइम फ्रेम पर हमने जो अपनी एंट्री ली है कल की कैंडल के हाई पर, कोशिश हमने की थी कि इस एक जगह से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें, स्टॉप लॉस याद रखना कितना है 641.30 पर स्टॉप, ये हमारा डे टाइम फ्रेम का एरिया है कल की कैंडल का हाई। हमने स्टॉप लॉस कहां पर लगाया है, कल की कैंडल के नीचे, मतलब प्राइस अगर नीचे भी मान लो आया बाई चांस, अगर ये नीचे की तरफ आता है इस तरह से, तो उसको बहुत स्ट्रांग सपोर्ट यहां से मिल जाएगा, कल का हाई है जो कल का डे हाई, यहाँ सपोर्ट लेकर के हो सकते हैं वापस ऊपर की तरफ चला जाए। तो अगर स्टॉप लॉस हम कल के डे हाई के नीचे रखें, कल की कैंडल की रेंज के अंदर, तो ये स्ट्रांग रहेगा। अभी यही स्टॉप लॉस हम बढ़ा करके ऊपर रख देंगे तो हमें तो मालूम है ना कि प्राइस रिट्रेस होकर के कल की कैंडल के हाई तक आ सकता है, और हमारे स्टॉप लॉस रखा हुआ है यहाँ पर, तो हिट हो गया ना तुरंत, और एक्चुअल जो स्टॉप लॉस मेरा वो यहाँ पर है वो तो हिट ही नहीं होगा, बहुत कम चांसेस रहते हैं कि फिर वो वाला स्टॉप लॉस अपना चला जाए, लेकिन ये तो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जहां पर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेकर के जा रहे हो वो तो पूरा रेड जोन बन रहा है ना, इसलिए वहां पर स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस यहीं रहेगा, ये अपना स्टॉप लॉस का एरिया है। बाकी एंट्री जो हमने अपनी ली थी वो इस एक जगह पर अपनी एंट्री ली थी। आई होप कि ये समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब से ये वाली कैंडल अपनी आई बनी है ना, तब से ही साइडवे मूव चल रहा है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि प्राइस में अभी भी स्विंग हाई ब्रेक हो सकता है। चलिए कोई नहीं, अभी तो प्रॉफिट वगैरह उतने ही चल रहे हैं जितने भी आपको दिखाए थे, सो वेट करते हैं अपने टारगेट का, टारगेट कौन सा अपना, फिर से हम आपको डे टाइम फ्रेम पर आएंगे, और ये वाली कैंडल ये हमारा मेन टारगेट पॉइंट है, एंट्री स्टॉप लॉस हम वेट करेंगे, प्रॉपर अपने टारगेट का वेट करेंगे, और नहीं तो जो भी होगा लेकर के मार्केट से बाहर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले नहीं निकलेंगे। आई होप कि देखो समझ में आया होगा, ये एनालिसिस रीडिंग आप किसी भी चार्ट में लगा सकते हो, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में लगा सकते हो। वेट करते हैं, जैसा होता है इन्फॉर्म करते हैं आपको। हम लोग यहाँ पर थे
और तब से मार्केट अभी तक साइडवेज पड़ी हुई है। अभी भी हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक कैंडल बनेगी और टारगेट हमको मिल जाएगा। इस वजह से अभी तक भी हम बाहर नहीं निकले, होल्ड करें, प्रॉपर हम वेट कर रहे हैं। या तो स्टॉप लॉस या टारगेट बीच में निकलना नहीं होगा। अब ऐसा कुछ टाइम डीके तो होता नहीं है जैसे ऑप्शंस वगैरह में है कि टाइम डीके हो रहा है और हम सही भी हैं, मेरे डायरेक्शन में भी प्राइस आ रहा है तो भी नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब मार्केट, कई बार ऐसा होता है कि प्राइस साइड में रह जाएगा। अच्छा, ये अपने हाथ में नहीं है ना कि बहुत बड़ा मूव आ जाए या प्राइस साइड में रह जाए, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। हमारे साथ में सिर्फ एक चीज़ होती है, हमारा स्टॉप लॉस, हमारी क्वांटिटी, हमारा रिस्क। और जिस माइंडसेट के साथ हम बैठे हैं, इसमें बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं ना कि जो घबरा जाएंगे। अब देखो, यहाँ से लेकर के ऊपर तक आप गौर करो, आपको रेड कैंडल्स ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेंगी, बहुत कम रेड कैंडल्स हैं यहाँ से लेकर के ऊपर की तरफ। लेकिन ये जो मूव है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 लगातार कैंडल्स बनी है रेड। अब इसमें जो नया आदमी होगा ना, जो अभी अभी जस्ट मार्केट के अंदर आया है, वो घबरा जाएगा कि ये क्या हो रहा है, मार्केट तो नीचे की तरफ जा रही है, हम एग्जिट कर देते हैं, वरना हो सकता है जितना प्रॉफिट चल रहा है वो भी हमारा लॉस में चेंज हो जाए। ऐसा रहता है माइंडसेट। तो ये एक तरह का क्या होता है, ये ट्रैप होता है कि प्राइस ने देखो अब देख करके ऐसा लग रहा है किसी ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाया और नीचे एक सपोर्ट बनाया। आप देख लेना, अगर हमारा टारगेट हमें नहीं मिला ना, तो कल एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा। बहुत बड़ा इन द सेंस कि वो टारगेट तक ही वो अपना गैप अप कर देगा और कल खुलते ही मार्केट में हमको हमारा टारगेट मिलेगा। एग्जिट तो हम अभी कर जाएंगे। एग्जीक्यूट कर देने के बाद में फिर कोई डॉक्टरी इसके अंदर आपको नहीं करनी कि क्या हो रहा है, सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, छोड़ दो, जो हो रहा है हो जाने दो, मार्केट जैसे चल रही चलने दो, हम अब उसके अंदर ओवर एनालिसिस नहीं करेंगे, जो हो रहा होने दो। अब हम इसके अंदर कोई भी ओवर एनालिसिस नहीं करेंगे, या तो टारगेट या स्टॉप लॉस, बात खत्म। ऑप्शंस तो है नहीं कि प्राइस हमारा टाइम डीके हो रहा है, धीमे धीमे इसी हमारे डायरेक्शन में जा रहा तो भी हमें लॉस हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, पड़ा है साइड वे है तो है। हम इसलिए आपसे कहते हैं ना कि जब एग्जीक्यूशन करो या मार्केट में, जब इवन शुरुआत में जब आप मार्केट में काम करने के लिए आ रहे हो, किसी भी सेगमेंट में आप काम करो ना, कोशिश करो स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करो, क्योंकि स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन में ही हम लोग जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एंट्री ली, ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मूव आएगा नहीं आएगा, ये सब अपने हाथ में नहीं है। तो जो मार्केट को जो करना है वो करने दो, आप अपना काम करो, मार्केट को अपना काम करने दो। अब अपना ये कोई एक दिन का तो है नहीं कि जैसे तैसे किया करके निकलेंगे, तो हमेशा का है ये, तो अपना प्रोफेशन है। अगर इसको ढंग से नहीं करेंगे, इसी को करने में डर लगेंगे, तो फिर कैसे सर्वाइव कैसे कर पाएंगे हम लोग मार्केट के अंदर। तो स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट करने के ऊपर पूरा ध्यान दो, पूरा फोकस स्टॉप लॉस के ऊपर रखो। आपसे अगर 200-250 रुपये का, 300 रुपये का स्टॉप लॉस बचा पाओगे ना, तो फिर आप 2,000 और 3,000 रुपये का भी स्टॉप लॉस बचा लोगे। मैनेजमेंट अच्छा रखो। अभी देखो, 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था अपने PNL का, वाला वीडियो देखो, आपको मैनेजमेंट समझ में आएगा। काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि ट्रेड दिखाते रहते हैं, ट्रेड दिखाते, PNL दिखाओ जरा देखें, तो वो पूरा हमने शेयर किया हुआ है, एक लेज़र हमने अपना शेयर कर दिया, वो तो कोई भी शेयर नहीं करता है ना। जिसको कहो PNL तो वो ग्रीन और रेड कलर की पूरा वो शेयर कर देगा कि देखो ये रेड, इतने दिन हम प्रॉफिट में, इतने दिन लॉस में रहे, है ना। PNL वाला वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा एक्चुअली क्या होता है। वो पूरा लेज़र मैंने शेयर कर दिया है, कब कितना विड्रॉल किया, कब कितना डिपॉजिट किया, किस दिन लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, सारी चीज़ें हैं, है ना, उसको देखो। उस वीडियो में भी हमने ये बात कही कि वो कोई शो ऑफ नहीं है, वो जस्ट आप ये समझ में आ जाए कि मैनेजमेंट एक्चुअली कितना ज़रूरी होता है ट्रेड को लेकर के। एक सेगमेंट में आपको या एक सिस्टम पर काम करते रहोगे ना, तो आप बहुत आगे तक जाओगे मार्केट। ऑप्शंस वगैरह से दूर हट करके जो रियलिटी उसके ऊपर काम करो, आप मार्केट में बहुत अच्छा काम करो। और अगर लॉजिक नहीं लगाना तो फिर भी मार्केट में तो काम हो ही रहा है, जैसे सब कर रहे हैं वैसे आप भी करो, कुछ उसमें आपको आकर के कोई नहीं रोक लेगा। अभी का देखो प्रॉफिट कितना, जो मॉर्निंग में हमने देखा था आपको, उससे कम ही हो चुका है, करीब 1,000 रुपीज़ के अराउंड कम ही हुआ है, 12,000 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है। तो उम्मीद थी कि ब्रेकआउट होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हमने कहा था ना कि जो मॉर्निंग में हाई वॉल्यूम वाली कैंडल आई है, उसने मामला थोड़ा सा अपना डाउन कर दिया है। यही इतनी जो बड़ी वॉल्यूम है यहाँ पर ना आकर के, जो अपना मेन टारगेट था ना, जो डे टाइम फ्रेम की ग्रीन कैंडल का हाई था, अगर वहाँ पे आता तो बहुत प्यारा ट्रेड होता, बहुत प्यारा ट्रेड होता। वैसे भी देखो 3,000 रुपीज़ का इसके करीब 12,000 के अराउंड 13,000 करोड़ का प्रॉफिट चला, तो 1:4 से तो ऊपर ही हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये और भाग सकता था। फिलहाल कोई बात नहीं, जो मार्केट दे जितना मिल रहा है ठीक है, अच्छा है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस हमारे किसी भी ट्रेड में अगर सेफ रह रहा है, हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें उस पर हमने जो स्टॉप लॉस लगाया, अगर वो स्टॉप लॉस मेरे लास्ट तक प्रोटेक्ट है, यानी कि वो ट्रेड अपना सक्सेसफुल ट्रेड है, टारगेट आज नहीं तो कल मिल जाएगा। अभी हमने आपसे बताया ना कि बिरला शॉर्ट, अगर इसने आज टारगेट नहीं दिया तो ये अप मूव, यानी कि कल मॉर्निंग में आप देख लेना
मार्केट खुलते ही ये टारगेट ही देगा, ये हो सकता है टारगेट लाइन पर ही पूरा मार्केट ही वहीं पर खुल जाए, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर इसके अंदर क्रिएट है। और डेली टाइम फ्रेम पर जो भी चीज़ें हमने आपको बताई ना, उसको बहुत ध्यान से, अब ऐसा तो बहुत कम ही लोग करेंगे, अगर हो सके तो इस वीडियो को एक बार और देखो, या सिर्फ उतने चंक को देखो जितना कि डेली टाइम फ्रेम पर हमने रीडिंग की है, है ना। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हवा भाई कोई भी बातें हमने कर दी, बहुत लॉजिकल बातें हैं, जो चीज़ें एक्चुअली मार्केट में काम कर रही हैं हम उन बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो फर्जी के इंडिकेटर्स, ये ब्रेकआउट वो ब्रेकआउट कुछ नहीं, प्राइस एक्शन पर सिंपली ध्यान दो, आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे मार्केट में। थैंक्स, गुड बाय एंड होप वी विल मीट अगेन।